बहुत पहले एक बार एक धर्मगुरु ने अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गए थे। वहां पर स्नान करते करते उनके सारे शिष्यों में से एक शिष्य ने कहा था, गुरुजी मुझे ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है कि मैं आखिरकार आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करूं। मैं बहुत समय से इस बारे में आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपसे ये सवाल पूछूं। गुरुजी कृपया मुझे बताएं कि मैं आखिरकार कैसे आत्मज्ञान प्राप्त करूं। तब उस गुरु ने कुछ भी ना कहकर अपना स्नान खत्म करने के बाद सारे शिष्यों के साथ वापस आश्रम में लौटकर चलने लगे थे। तब वो शिष्य बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था और गुरुजी से पूछा था कि आखिरकार वो कैसे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तब नदी के किनारे एक कुत्ता खेल रहा था। गुरुजी ने उस कुत्ते के तरफ इशारा करकर उस शिष्य को कहा था, उस कुत्ते से सीख लो। और उसके बाद उस गुरु ने आगे बढ़ते रहे। तब अपने गुरु से ये जवाब सुनकर वो शिष्य बहुत ज्यादा हैरान था। उसने अपने मन ही मन यही सोचने लगा था, आखिरकार गुरुजी ये कैसी बातें कह रहे हैं। तब वो शिष्य बहुत ज्यादा बेचैन होकर गुरुजी के पीछे गया और फिर वो वही सवाल करने लगा था कि गुरुजी मुझे बताए कि मैं कैसे आत्मज्ञान प्राप्त करूं। तब उस गुरु ने कुछ भी जवाब ना देकर बस आगे बढ़ते चले गए थे। तब उस शिष्य ने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मैं उस कुत्ते से नहीं सीखना चाहता। तब आश्रम के सामने और एक कुत्ता सोया हुआ था। तब गुरुजी ने शिष्य को उस कुत्ते को दिखाकर कहा था, अगर तुम उस कुत्ते से नहीं सीखना चाहते हो तो फिर इस कुत्ते से सीख लो। तब वो शिष्य ने कहा था, एक कुत्ता आखिरकार क्या सिखा सकता है, ये तो बस जीवन भर खाता है और सोता है। तब गुरुजी ने जवाब में कहा था, तुम भी बस ऐसा ही करो। तब उन्होंने मुस्कुराकर आश्रम में प्रवेश कर गए थे। उस वक्त हो सकता है कि वो शिष्य उस महात्मा की बात ना समझ पाया हो और आप में से कुछ लोगों के अंदर भी ये बात शायद सोचने में मजबूर कर रहा है कि आखिरकार कुत्ते से क्या सीख लिया जा सकता है। असल में कुत्ता जब भी सोता है वो बस सोता ही रहता है। कुत्ता जब खाना खाता है वो बस खाना ही खाता रहता है। लेकिन जब हम लोग जिंदगी में कोई काम करते रहते हैं, मतलब जब अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए दौड़ते रहते हैं, हमारे ध्यान कहीं और रहता है। उस धर्मगुरु के कहने का बस एक ही मतलब था, अगर हम लोग अपने जीवन में कोई भी काम करें वो पूरी फोकस के साथ ही करें। अगर हम लोग अपने ध्यान को बस एक ही जगह पर रखें और कॉन्सिस्टेंटली बस उस पर ही काम करते रहे तो फिर वो ही हमारे लिए ध्यान बन जाता है। अगर हम लोग अपने दिमाग से फालतू सोच को हटा सके तो फिर हम लोग पूरे दिन ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं और वास्तव में यही आत्मज्ञान की असली सीख होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए और उसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।